अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूँ आपको आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह बहुत ही थोड़ी रकम खर्च करके अपने बहुत बड़े बिजनेस का आगाज़ कैसे कर सकते हो। आज की वीडियो में हम आपको ब्लीच पाउडर की रेसिपी तैयार करना सिखा रहे हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और बात करते हैं मलिक फ़ियाज़ अरईन साहब से, जिनसे आप पहले ही वाकिफ़ होंगे, जो 3DFM कॉस्मेटिक्स के ओनर हैं। तो जी मलिक फ़ियाज़ साहब, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मलिक फ़ियाज़ नहीं है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक 3DFM कॉस्मेटिक्स से है। हम मुख्तलिफ चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं। इसी सिलसिले में हम बहुत सारे लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो कम पैसों के ज़रिए अपने रोज़गार को शुरू कर सकें। तो इसी सिलसिले में आज हम एक रेसिपी आपको शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आप खुद घर में बनाकर इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आज हम आपको ब्लीच पाउडर, जो कि ब्लीच क्रीम के अंदर, स्किन पॉलिश के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, बूस्टर के तौर पर या कट डाउन के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी रेसिपी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहरहाल फिर भी अगर किसी भाई को समझ नहीं आती, कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 0371-81-410 मलिक फ़ियाज़ अरईन, मुल्तान। बहरहाल शुरू करते हैं जी। अब आज की रेसिपी को आज हम बना रहे हैं ब्लीच पाउडर, ठीक है जी। इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट डलते हैं वो मैं आपको पहले बता दूं, ये अमोनिया पड़ा हुआ है 250 ग्राम, डालें जी 250 ग्राम अमोनिया। सबसे पहले आपने अमोनिया डालना है जी, किसी थाल के अंदर डाल लें, किसी छापर के अंदर डाल लें, या फर्श के ऊपर डाल दें, ठीक है जी। जितना वो अब आपने देखना है कि जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उस हिसाब से फिर आपने वो जगह को मुंतखब करना है, ठीक है जी। इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है जी 50 ग्राम कम पाउडर। इसके बाद आपने इसके अंदर 25 ग्राम सोडा ऐश डालना है, 25 ग्राम सोडा ऐश। ये आपने इसके अंदर सोडा ऐश डाल दिया जी। इसके बाद आपने इसके अंदर 10 ग्राम SLS डाल देना है, 10 ग्राम SLS। तकरीबन 10 ग्राम आपने SLS पाउडर इसके अंदर डाल देना है। अब आपने इसको मिक्स करना है। कोशिश करें कि दाना, अमोनिया का दाना, टेलकम और ये सारी चीज़ें बेहतरीन एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। क्योंकि अमोनिया के अंदर हल्की नमी होती है, नमी की वजह से ये मॉइस्चर देता है, लिहाजा इसका मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए हम अगर इसके अंदर कोई 5-10 ग्राम एरोसल डाल दें, तो उस एरोसल डालने की वजह से, एक एरोसल केमिकल है, उसके डालने से एक तो ये इसकी नमी को जो है ना कंट्रोल करेगा, और इसके बाद इसके पाउडर के अंदर ज़रा मज़ीद फ्लावर भी पैदा कर देगा, तो वो मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल देता हूँ, ठीक है जी। तो ये 5-10 ग्राम इसके अंदर एरोसल आपने डाल देना है। दोबारा मिक्स कर लें। कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से मिक्स कर देनी है, और मुंह के ऊपर मास्क चढ़ा देना है, क्योंकि इसके अमोनिया की वजह से इसकी स्मेल निकलती है, जिसकी वजह से जो है ना नाक पे चढ़ती है। तो कोशिश करनी है कि मुंह पे जाना, कोई कोशिश ये भी करें कि ओपन एरिया हो,
जहाँ कहीं भी आप बना रहे हो ओपन जगह हो, जब आप इसकी 20-30 किलो या 40-50 किलो की एवरेज से बना रहे हो तो उसके लिए कोशिश करें कि ओपन एरिया हो, ताकि आप इसकी स्मेल जो है ना वो दिमाग में चले, ठीक है ना। बहरहाल आपने कोशिश करनी है मास्क लगाना है लाजमी, ठीक है जी। हाथ के ऊपर भी कोशिश होगी गिलासों को ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ये, क्योंकि थोड़ा सा एक सैंपल बना रहे थे आपको, तरीका बता रहे थे, इस वजह से हमने ये अब अच्छा जी, ये अब आपका एक्टिवेटर पाउडर जो है या ब्लीच पाउडर आपका तैयार हो चुका है। बहुत सारे लोग इस पाउडर को ना मुख्तलिफ शक्लों में फिर बेच रहे हैं, ठीक है ना। मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ कि भाई आप इसकी थोड़ी सी शक्ल तब्दील करने के बाद इसको मज़ीद महंगा बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर आपने कुछ लोग इसको ज़ाफ़रानी पाउडर के तौर पर बेच रहे हैं, कुछ स्काई ब्लू के तौर पर बेच रहे हैं, मुख्तलिफ कलर जो है इसको उसके अंदर आप बेच रहे हैं, वो बस एक करना अच्छा, ठीक है जी। तो ये अभी आपका ब्लीच पाउडर वैसे तैयार है, आप इसका तरीकाकार ये होता है, किसी भी ब्लीच क्रीम के अंदर आप जब 10 ग्राम आप ब्लीच क्रीम डाल रहे हैं तो उसके अंदर ये 5 ग्राम ये आपने पाउडर डालेंगे, इनको पेस्ट मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपका गाउन के तौर पर इस्तेमाल करें, ब्लीच स्किन ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल करिए, किसी भी उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये अभी ये वाइट एक्सीलेटर है जी, ठीक है। इस वाइट एक्सीलेटर को आप ब्लीच के तौर पर ये मुकम्मल कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। कोशिश करें कि इसको खुला ना रखें, जब ये मुकम्मल कम्प्लीट हो जाए बन जाए तो इसको किसी प्लास्टिक के शापर में बंद रखें, या डब्बे में या जार में, जिस चीज़ में भी आपने पैक करना हो उसके अंदर बिल्कुल बंद होना चाहिए, ताकि अगर इसके अंदर हवा जाएगी तो ये इसका अमोनिया की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी, अमोनिया उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने इसको ओपन जो है ना किसी जब बन जाए तो फिर किसी शापर में बंद कर लेना, ठीक है जी, प्लास्टिक वाले शर्ट बैग में। अच्छा जी, अब आपका ये जो बन गया है, ठीक है ना, वाइट कलर के अंदर, अब हमने इसको थोड़ी सी शक्ल तब्दील करके हमने इसको तब्दील करना है मुख्तलिफ दूसरे ब्रांड प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो करना क्या है, आपने इसके अंदर हल्का सा वो कलर छिड़कना है, कलर छिड़कना है, ये देखें जी हम कलर इसको ज़ाफ़रानी उसके अंदर डाल रहे हैं, आपने कोई येलो कलर ले लेना है या माल्टा कलर ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा टच दे के पीले का, तो उसको आपने अब इसके अंदर हल करना है। मिक्सिंग करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरीके के साथ इसको आपने बनाना है, ठीक है ना, मुख्तलिफ उसकी शक्ल के अंदर। ये देखें अब ये आपका वही एक्सीलेटर पाउडर अब आपका तब्दील हो रहा है दूसरे कलर के अंदर, हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन हर हफ्ते के अंदर कोई एक आध रेसिपी आपको अपने इस चैनल के अंदर शेयर करते रहें। अगर किसी भाई को हमारी ये रेसिपी पसंद आ जाती है तो वो कोशिश करे कि हमें कॉल करके हमारा हौसला अफजाई करें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये चंद ब्रांड्स हैं, ये हमारी अपनी ज़ाती प्रोडक्शन है, एलर्जी के लिए ये नीम सोप है, ये वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम है, इसके अलावा ये एक्नी सोप चेहरे के दानों वगैरह के लिए, आयल कंट्रोल करने के लिए एक्नी साबन है, इसके अलावा ये लवली चार है, फाउंडेशन बेस के साथ है, यानी इसके इस्तेमाल से आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसके अंदर मेकअप फाउंडेशन मिक्स है, ठीक है ना जी। इसके अलावा ये हैंड वाश हम बनाते हैं जी, फेस वाश बनाते हैं, ये हमारे पास ये एक्नी फेस वाश क्रीम है, ठीक है ना। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हम जो है ना बनाकर मार्केट कर रहे हैं, जिनकी मुख्तलिफ शहरों में हम डिस्ट्रीब्यूशन भी चला रहे हैं। तो अगर किसी दोस्त को के एरिए में अगर बिल्कुल ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चल रही तो वो हमसे ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कर सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर। इसके अलावा हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं मुख्तलिफ लोगों और कंपनियों के लिए, जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं या उनके पास मशीनरी वगैरह नहीं है या फार्मूले नहीं हैं जो भी, तो बहरहाल वो उस हवाले से भी हम आपको सर्विस दे सकते हैं। बहरहाल किसी भी हवाले से मैं अब आपको अपना नंबर दे दूँ, 0371-81-410 मेरा नंबर है, आप 24 घंटे में किसी वक्त भी ये मुझे हमें फ़ोन कर सकते हैं, अगर फ़ोन अटेंड नहीं होता तो व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेज सकते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपका जवाब
आपको बर्बाद किया जाए। बहरहाल ये अब उसी ब्लीच पाउडर या एक्सीडेटर को हमने ज़ाफ़रानी पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको आप बिल्कुल, अगर आप ये पहले 50 ग्राम का एक पैकेट 100 रुपये का बेच रहे हैं, तो इस तरह ये है कि यही चीज़ थोड़ी सी रंगत की तब्दीली के बाद आप इसको 150 रुपये के अंदर यही चीज़ वही 100 ग्राम या 50 ग्राम उसको अंदर बेच सकते हैं। बहरहाल अगर इस रेसिपी को आपके समझ आई है, आपको अच्छी लगी है, तो हमें कॉल बैक का फीडबैक दें, हमें कमेंट करें। इसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई सवाल आपको समझ नहीं आया तो वो हमें उसके बारे में ज़रा हमसे पूछें, हमें हौसला अफजाई कराएँ। इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा इंशाल्लाह आपको गाय बगाए आपको मुख्तलिफ ब्रांड की रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।